नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल में। इसका नाम है द नॉलेज ऑफ साइंस। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ एटम जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये एटम होती क्या चीज़ है, राइट। तो देखिए, एटम जो है, अगर हम सिंपल सा अगर इसके मीनिंग को समझे, यदि हम अगर कि एटम का अगर बात करें, तो अगर मैं अगर एक दिन भी अगर इसके बारे में अगर कि लेक्चर दूं तो बहुत ही कम पड़ेगा, राइट। लेकिन सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कि एटम होता क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम अगर इस पेन की ही अगर बात करें, ये पेन भी एक मैटर, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैटर, आपको पता है ये चीज़। तो अगर हम इस पेन की अगर बात करें, तो इस पेन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि मान लीजिए अगर हम अगर इस पेन को अगर डिवाइड करना अगर स्टार्ट करें, तो डिवाइड करते करते जो सबसे छोटा यूनिट बच जाएगा, जिसको हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते हैं, वो इसका हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट, और उसी का नाम हम लोग बोलेंगे एटम। ठीक है, तो इससे क्या निकला कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, अब अगर इस पेन की ही अगर बात करें, छोटा सा ये जो पेन है, इसी पेन में हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने सारे एटम्स हैं इसमें। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, सब के सब एटम से ही बने हुए हैं। इसी में लगभग लाखों एटम होंगे। तो एटम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसको हम लोग अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि एटम होती क्या चीज़ है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। अब जानते हैं कि इसका जो डिस्कवरी है वो किसने किया था। इसका डिस्कवरी हमारे जो ग्रीक साइंटिस्ट है और जो कि वो साइंटिस्ट के साथ साथ टीचर भी थे हमारे, जॉन डाल्टन जी। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ১৮০৮ में एटम का जो है डिस्कवरी किया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने 1808 में एटम का डिस्कवरी किया था। ठीक है, इन्होंने एटम के बारे में ये कहा था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। एन सब्सटेंस बोल लीजिए या फिर मैटर। उसके बाद अगर इसके कुछ अगर की प्रॉपर्टीज की हम लोग अगर बात करें एटम की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो सबसे पहला हो जाती है कि ये जो है डाल्टन जी के अनुसार ये जो है अनकटेबल होता है, यानी कि इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं। एटम को सबसे छोटा जो यूनिट होता है ये यही होता है। और दूसरा है कि ये नेग्लिजेबल होता है, मतलब हम लोग इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये माइक्रोस्कोपिक है पार्टिकल, आपको मैंने पहले भी बोल चुका है। अनकटेबल, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अनडिवाइडेबल। और हम अगर कि एग्जांपल्स की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, या फिर कार्बन एटम ले लीजिए, या फिर और भी है ETC, बहुत सारे एटम्स हैं। तो आज का जो डिस्कवरी ऑफ एटम था, बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब